इस वक्त आपको एक बार फिर से एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश के शिकार हुए हैं, जो दोपहर में आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V-5। इसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है और इसको लेकर रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, दुख जाहिर किया। राहुल गांधी ने भी इस खबर के बाद ट्वीट करते हुए कहा है कि परिजनों के साथ मेरी पूरी संवेदना है, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। तो चारों तरफ इस वक्त शोक की लहर है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जाहिर किया है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आज ऐसा दिन आएगा। देश के लिए आज का दिन बेहद दुखद। देखिए, अमित शाह गृह मंत्री भी ये लिख रहे हैं, देश के लिए आज का दिन बेहद दुखद, सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर लगातार शोक संवेदना तमाम नेता प्रकट कर रहे हैं, तमाम लोग प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल अब यकीन नहीं हो रहा, लेकिन साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत को वो याद भी कर रहे हैं। मैं एसपी सिन्हा साहब आपसे समझना चाहूँगा जरा इनकी पर्सनालिटी के बारे में। आप कह रहे थे इनकी पर्सनालिटी को आप एक घंटे में भी बयान नहीं कर सकते, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है, कई घंटे निकल जाएंगे। पहला तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बात बताऊंगा, उसके बाद उनकी आउटस्टैंडिंग इश्यूज एस्पेक्ट्स उनके पर्सनालिटी के बारे में उनकी व्याख्या करूंगा। मैं जब रिटायर कर गया था तो किसी राष्ट्रीय बिंदु पे सुरक्षा दृष्टिकोण से मैं किसी बिंदु पे उनसे मैंने मिलने के लिए टाइम मांगा था, मुझे टाइम दिया गया। तो जब टाइम दिया गया तो मैं जब मिलने गया तो वो अपने रूम, प्रोटोकॉल आर्मी चीफ का अलग होता है, वेटिंग रूम में वेट कीजिए फिर आर्मी चीफ आएंगे। उनको पता था कि मैं एक्स एनडीए हूँ और मैं एनडीए में उनसे सीनियर रह चुका हूँ, तो वो रूम के बाहर आए, फिर बातचीत हुई, फिर मैंने कहा आप बहुत बिजी हो, मैंने अपने जो बात कहनी थी कह दिया। फिर उन्होंने कहा एनीथिंग एल्स सर, नहीं, मैंने कहा मैं चलता हूँ, आप चीफ हो, बिजी हो, मैं चलता हूँ। वो बाहर मुझे छोड़ने आए, मैंने कहा यू आर्मी चीफ, आप ऐसे मत कीजिए, आप बाहर मत आइए, मैं अपना रास्ता मैं जानता हूँ, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, क्या बात, वो सेंटेंस मुझे याद, क्या बात है, वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर। मैं आऊंगा छोड़ने सर आपको बाहर। मेरा उनका ये व्यवहार, उनकी सिंप्लिसिटी मेरा हृदय स्पर्श कर गया, आज वो याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं उनसे मिलके निकला हूँ। तो ये उनकी ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो नेशनल डिफेंस, उन्होंने पढ़ाई की थी सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में, उसके बाद वो नेशनल डिफेंस एकेडमी 1975 में जनवरी में ज्वाइन किए, और वो उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1978 में ज्वाइन किए, और 16 दिसंबर 1978 को उन्होंने कमीशन लिया 511 गुरखास में। और ताज्जुब की बात है कि इसी पलटन को, इसी बटालियन को उनके पिताजी ने कमांड किया था। तो एक बेटे के लिए कितने गर्व की बात है कि जो बटालियन पिता ने कमांड किया उसी बटालियन को वो कमांडिंग ऑफिसर वो बने, उसी बटालियन का। पहली बात। दूसरी बात कि वो क्या क्या उनको अवार्ड्स मिला, PVSM, UISM, AVSM, YSM, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड ADC टू द प्रेसिडेंट, इतने अचीवमेंट्स। उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर उसको मिलता है जो कंप्लीट बैच में बेस्ट पासिंग आउट कैडेट होता है। तो जनरल रावत सोर्ड ऑफ ऑनर थे अपने बैच में, 1978 बैच में वो अपने सोर्ड ऑफ ऑनर थे। और जैसे कहावत है होनहार बिरवान के हो चिकने पार, उस जब सोर्ड ऑफ ऑनर कोई बहुत सोर्ड ऑफ ऑनर ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी काबिलियत बहुत ही काबिले तारीफ थी तो ये आर्मी चीफ तक गए। हमारे साथ संतपाल राघव सर भी मौजूद है, रिटायर्ड करना है, डिफेंस एक्सपर्ट है। संतपाल राघव सर, देखिए एसपी सिन्हा सर यहाँ बता रहे हैं, उनके साथ उनका एक जो निजी अनुभव था उन्होंने साझा किया, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे संतपाल राघव सर? जी, वो हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में डायरेक्टिंग स्टाफ थे एज ए कैप्टन। वो बड़े कूल, काम और लॉन्ग विजन रखते थे, और उन्होंने एज ए जूनियर ऑफिसर हमने उनको देखा है एज ए कैप्टन, और सीनियर कमांडर जो हमने उनको देखा है उनका जो विजन था, कमांड सिनर्जी ऑफ ऑपरेशंस, थिएटराइजेशन और जितने भी ऑपरेशंस हैं, अपने जूनियर कमांडर्स को लुक आफ्टर करना,
उनको मॉरली सपोर्ट करना, ऑपरेशनल सपोर्ट करना, और जहां भी वो जाते थे एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी और वो बड़े प्लीजिंग पर्सनैलिटी से जूनियर से मिलना और एक गेज करना मोराल को, जो एक कमांडर की एक अपनी एक क्वालिटी होती है कि गेजिंग द मोराल ऑफ द ट्रूप्स एज वेल फॉर द जूनियर ऑफिसर्स और द सीनियर ऑफिसर्स, एंड ही वाज अ वेरी चार्मिंग ऑफिसर। जो उनका जो एक विजन था इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का, थ्रेटाइजेशन ऑफ कमांड, ही वॉज वर्किंग रिलेंटलेसली 24/7, और जितने भी तीनों सेनाओं को जो है सिनर्जी एक ऑपरेशन में लाना, वो उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और जो उन्होंने एक ट्रैक पे लेके आया, उन्होंने एक टाइम लाइन बनाया उनको कि इस टाइम तक मैं इसको ग्राउंड पे प्रैक्टिकल कर देंगे। और जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट है उनकी अंडर कमांड में, इट वॉज ए फंटास्टिक। आप देखें आज हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, वो किस हालत में है, किस स्टेट में है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट उनकी कमांड के अंदर एक बहुत ही मैं प्रेज वर्दी है, कॉन्फिडेंस है ट्रुप्स को, और ऑपरेशनल रेडीनेस है, प्रिपेयरनेस है। और आपने देखा गैलवन और उसके अलावा भी जो हमारे जो पड़ोसी देशों ने जो हरकत की है, हमने भी फिटिंग रिप्लाई दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़े चार्मिंग और मोटिवेटेड मोटिवेशन टू द कमांड, एक बहुत बड़े लीडर थे, मिलिट्री लीडर थे, और उन्होंने बहुत कुछ किया। अपने जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, राइट फ्रॉम आईएमए सॉर्ड ऑफ ऑनर टिल आज एमडीएस, ही हैज डन वंडर्स एंड ही हैज रेज्ड द मोरल ऑफ द आर्मी, और पूरे देश को एक बहुत बड़ी पे एक आशा उम्मीद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को है बहुत बड़ी। मैं उनको दोबारा से नमन करता हूं, और मैं और उन सभी वीर सैनिक मैडम को मैं नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एंड गॉड गिव देम ए पीस। जी एसपी सिन्हा सर, सीडीएस बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि ये आउटस्टैंडिंग सोल्जर थे, मतलब इनके बारे में जो लोग जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, सर भी बेहतर जानते हैं, कई लोग जो इनके साथ लोगों ने काम किया है वो कहते हैं कि मतलब इनके अंदर जो कौशल थी, जो कला थी, वो बहुत कम लोगों में होती है, आउटस्टैंडिंग थी। इसके पहले मैं कुछ कहूँ, आप मेरे साथ खड़े हों, और मेरा ख्याल है दिवाकत आत्मा को सम्मान देने का यह अवसर है, जो कि मैं अपने हृदय से उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनकी आत्मा को, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को उनको शांति दे। देखिए आदमी जब चला जाता है तो उसका कर्म ही इतिहास बनता है, उसका कर्म ही प्रधान होता है। तो जनरल रावत का ऐसा क्या कर्म रहा है जिसको इतिहास याद रखेगी? इतिहास उनको, वो अमर हैं, वो शारीरिक रूप से चले गए हैं, लेकिन सेना के पन्नों में, भारत के इतिहास में वो अमर हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, उनकी याद कभी नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा जनरल रावत तुम्हारा नाम रहेगा, तो आपकी याद कभी भूलेंगे नहीं हम। अब उनके आते हैं प्रोफेशनल फील्ड में उनकी क्या उपलब्धि रही है। देखिए उन्होंने आईबीजी इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप की कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, वो जो चाइना जिससे बहुत घबराया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, रैंक स्ट्रक्चर में सुधार लाया। जब लोग टू फ्रंट वॉर सिनेरियो के बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि टू फ्रंट वॉर सिनेरियो को तो छोड़िए, हम टू एंड हाफ फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए तैयार हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल। तीसरी बात कि उन्होंने अपने टाइम टू टाइम अपना एग्रेसिव पोस्टरिंग करके चीन को संदेश देते रहे कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, और यदि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ देखेगा तो उसको सही सठम साठ्यम समाचरित की भाषा में बात करेंगे, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट फिलॉसफी उन्होंने बताया, और चीन को पेट में दर्द होता है। इस वक्त बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया है, शोक संवेदना प्रकट की उनके परिवार वालों के प्रति, हमने देश के वीर जवानों को खो दिया है, ये प्रधानमंत्री का ये ट्वीट सामने आया है, क्योंकि इसमें 13 लोगों की 14 लोगों की मौत की इसमें पुष्टि हो चुकी है, जिसमें
मधुलिका रावत सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी भी इसमें शामिल हैं। सीडीएस बिपिन रावत के अलावा इसमें और भी सेना के अफसर थे जिन्होंने जान खो दी। शिवम, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के देहांत के बाद अब उनके घर पर वरिष्ठ सेना के अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है। लगभग 3 से 4 वरिष्ठ अधिकारी अभी यहाँ पर उनके घर पर पहुँचे हैं। बड़ी अपडेट यह है कि मधुलिका रावत के जो परिवारजन हैं उनकी साइड के, उनको पहले ही इन्फॉर्म किया गया था कि आपको दिल्ली आना है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। अभी उनके भाई यशवर्धन से मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से हमें कॉल आई है कि हम दिल्ली आ जाएं। हालांकि उनसे जब मैंने बातचीत की कि लगातार वो ट्रैवल कर रहे थे, क्या वजह, आपसे कोई बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 2 साल से कोविड के टाइम में सीडीएस बिपिन रावत कहीं दौरा नहीं कर पाए। वो कॉलेजेस में, डिफेंस कॉलेजेस, आर्म फोर्सेस के कॉलेज, वहाँ पर जाकर युवाओं को ट्रेनिंग और ऐसे ऐसे भी चीज़ों के काफ़ी इंटरेस्टेड थे और वो लगातार युवाओं के को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। यही एक वजह थी, जैसे ही कोविड कम हुआ उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम जो IMA में है, NDA में है, आर्म कॉलेज में है, उनको रिज्यूम किया और अब वो हर जगह जा रहे थे। वो लगातार नए कैडेट से, नए जवानों से अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करते थे और यही एक वजह है कि बीते 2 महीने से उनकी लगातार अलग अलग स्थानों पर यात्रा जारी थी। अब एक पृथ्वी से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनरल बिपिन रावत जब देश के CDS बनाए गए थे तो प्रधानमंत्री से उन्होंने थिएटर कमांड का वादा किया था कि थिएटर कमांड जो है पहली वो भारत को सौंपेंगे। इस साल ही 26 जनवरी को इसकी प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले थे लेकिन वो हो नहीं सका। उनका सपना था कि प्रथम जो थिएटर कमांड है वो उनके CDS रहते रहे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये दुखद उनका देहांत हुआ है, थिएटर कमांड की बात हो या उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, उनके नेतृत्व में देश ने पहली बार कोई बहानेबाजी या सुरक्षा कारणों का हवाला नहीं दिया बल्कि दुश्मन को एक ऐसा करारा जवाब दिया जिससे एक लीगेसी स्टार्ट हुई। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, कहीं ना कहीं उस लीगेसी के इस महान आला अफसर ने कहीं ना कहीं आज देश ने उसको खो दिया है। प्रधानमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेताओं का भी ट्वीट आ रहा है। एक बार मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से सेना के जो यहाँ पर आप सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं उनके परिवार के रिश्तेदार यहाँ देखेंगे अगर आप, तो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, लगातार ये देख रहे हैं। एक बार प्रत्युष मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1978 में उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के जरिए अपनी जर्नी शुरू की थी, फिर वो लेफ्टिनेंट बने, कैप्टन बने, मेजर बने, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और उसके बाद जनरल CDS। 18 से ज़्यादा उनके पास ऑनर्स एंड डेकोरेशन थे। परम विशिष्ट सेवा मेडल की बात करें, उत्तम युद्ध सेवा मेडल की बात करें, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वुंड मेडल, यानी कि अगर आप मेडल्स और उनकी वीरता की बात करेंगे तो ये बखान करने का ठीक है। शिवम, शिवम बने रहे आप हमारे साथ, मैं जल्दी से अभिषेक का भी रुक कर रहा हूँ। अभिषेक, 6:30 बजे CCS की मीटिंग थी, क्या मीटिंग डिले हो गई है, थोड़ी देर बाद शुरू होगी? नहीं, मीटिंग लगभग शुरू हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पे CCS की मीटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तमाम और जो इसमें मेंबर्स शामिल हैं वो पहुंच चुके हैं। तो 6:30 बजे की टाइम था और 6:25 पर तमाम जो यहाँ पर CCS के जो मेंबर हैं वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग चालू है, मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग लेट नहीं है। प्रत्युष जी, SP सिन्हा सर, उनके ऑपरेशनल एक्सपेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कई सारे ऑपरेशंस में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, लीड किया, अगुवाई की, इस पर हम बात करें। लेकिन एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, प्रधानमंत्री ने CDS बिपिन रावत के साथ तस्वीर ट्वीट की है, फोटो शेयर करे और लिखा है वो सच्चे देशभक्त थे, उनकी रणनीतिक सूझबूझ जबरदस्त थी, CDS रावत का जाना बहुत दुखद है। ये प्रधानमंत्री ने CDS बिपिन रावत के साथ अपनी तस्वीर साझा की है और तस्वीर के साथ साथ PM ने क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। PM लिख रहे हैं वो सच्चे देशभक्त थे, उनकी रणनीतिक सूझबूझ जबरदस्त थी, CDS रावत का जाना बेहद दुखद। SP सिन्हा सर, देखिए जिस उनकी रणनीतिक कौशल की बात अभी हमने कुछ देर पहले की और आपने भी बताया, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या पर्सनालिटी है,
लॉ पुरुष हैं। प्रधानमंत्री जी जब अपना उनका फोटो ट्वीट कर रहे हैं और ये शब्द कह रहे हैं कि उनकी जो रणनीति सोचबूझ थी बहुत अच्छी थी, इसका मतलब है कि मोदी सरकार में जो भी सेना ने परफॉर्म किया है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आ रहा है और क्रेडिट काफी हद तक जा रहा है जनरल रावत को जी। ये बहुत बड़ी बात है। फोर स्टार जनरल बनना आसान बात नहीं है। एक बैच में 367 लोग होते हैं, सब जनरल बनना चाहते हैं, 0.1% बनता है जनरल। और फोर स्टार तो समझ, मतलब भगवान की कृपा हो, काबिलियत हो, सब कुछ फैक्टर कंबाइन हो तब बनता आदमी। तो ये बहुत बड़ा, आप जितना भी कोई बड़ाई कर दे, अब इससे ज्यादा बड़ाई कोई नहीं कर सकता जो प्रधानमंत्री अपने ट्वीट करके ये दिखा रहे हैं कि उनकी जो रणनीति सोचबूझ थी वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। देखिए अब मैं आता हूँ थिएटर कमांड पे। थिएटर कमांड की जो कल्पना होती है, एक लीडर दूसरे नॉर्मल लीडर से क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजिक विजन, स्ट्रेटजिक सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। तो जो थिएटर कमांड की कल्पना की थी जनरल रावत ने, क्यों? देखिए लड़ाई होती है तो उसमें सिनर्जी तीनों सेना में होना जरूरी है। जब तीनों सेना एक ही थिएटर में एक टीम की तरह फंक्शन करें, एक टीम के हिस्सा हो, एक कमांड के हिस्सा हो, तो जो सिनर्जी होगी, तालमेल होगी, वो बहुत ही काबिल तारीफ होगी। आप यदि पीस एंड वॉर दोनों में आप साथ साथ दौड़े हैं तो जो आपका बैटल इफेक्टिवनेस होगा ग्राउंड पे। एक खबर जल्दी से बता देते हैं इस वक्त दर्शकों को, कल सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर कर दिल्ली लाया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई थी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में, उनके निधन की खबर सामने आई थी। अब खबर ये है कि सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को कल दिल्ली लाया जाएगा। और इस वक्त सीसीएस की बैठक भी चल रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने सीडीएस बिपिन रावत के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ जबरदस्त थी। और चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, सभी ने इसे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया है। अपडेट आपको एक बार फिर से दे देते हैं। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके पार्थिव शरीर को कल दिल्ली लाया जाएगा। संतपाल राघव सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतपाल राघव सर, अभी हम बात कर रहे थे और एसपी सिन्हा साहब अभी और अभी डिटेल बताएंगे, उनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम कि कई सारे ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन कहते हैं कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहां पर उनकी रणनीतिक सूझबूझ और उनका रण कौशल कमाल का था। जी देखिए, उन्होंने जो कमांड की है, हाँ, बटालियन कमांडर ऑनवर्ड्स, हाँ, आप उनका प्रोफाइल देखिए, फील्ड का प्रोफाइल बहुत ज्यादा, हाँ, उन्होंने बटालियन जो कमांड की है वो भी फील्ड के अंदर कमांड की, उसके बाद में जो उन्होंने आधार सेक्टर कमांड किया जिसे एज ए ब्रिगेडियर, वो भी उन्होंने वहां पे सीआई ग्रिड पे, उन्होंने वहां पे सीआई ग्रिड इंसर्जेंसी में नॉर्दर्न कमांड में उन्होंने कमांड की, उसके बाद डिवीजन भी उन्होंने फील्ड के अंदर कमांड किया और 3 कोर जो कि वो भी उन्होंने फील्ड कोर है, 3 कोर जो है नॉर्थ के अंदर, वो भी फील्ड एरिया में कमांड की। उनका जो कमांड असाइनमेंट है जो एज सीनियर कमांडर, वो उन्होंने पूरा फील्ड आर्मी के साथ में, ट्रुप्स के साथ में, कंपैक्ट जोन जिसे कहते हैं फिजिकल, उन्होंने वहां पे कमांड की। ओनली उन्होंने जो सदर्न आर्मी कमांडर रहे बहुत ही शॉर्ट स्पैन टाइम के लिए, और उसके बाद वाइस चीफ रहे और फिर वो आर्मी चीफ बन गए। तो उनका अगर टोटल आप करियर देखें, जो कि कमांड असाइनमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सारी ट्रूप्स के साथ फील्ड एरिया में, बैटल एरिया में, वहां पे उन्होंने एक्टिव सर्विस अपने देश को दी, और इसलिए उनका जो रणनीति कौशल जो है वो बहुत ही अनुभव जो है वो प्रैक्टिकल था। जो मैंने आपको ये बताया, जो प्रोफाइल जो बताई, उसमें एक सीनियर कमांडर को डिसीजन लेना
ट्रूप्स को मोटिवेट रखना और अपनी प्लानिंग को कैसे फिट रखना है, अपने दुश्मन को कैसे, जिस एरिया में आप ऑपरेट करते हो, जो दुश्मन देश है, उनको उनको कैसे हम उनको न्यूट्रलाइज करना है, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, क्या डॉक्ट्रिन है, वो सब एक कंसेप्शनल कमांडर में जब ही आती है जब उनका अनुभव जी दो साल हो गए, आपने कहा कि तीनों सेना में एक सिनर्जी वो होना जरूरी था जिसकी डिमांड काफी पहले से की जा रही थी। आपने इसके बाद खासतौर पर मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की भूमिका, चूंकि पहली बार वो इस पद पर आसीन हुए थे, पहली बार कोई अधिकारी इस पद पर आसीन हुआ था, इन दो सालों में आपने क्या ऐसा आपने देखा बदलाव जो अब तक से बिल्कुल इतर था, अलग था? देखिए बदलाव तो अंग्रेजी में कहावत है प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। जो जमीनी स्तर पे हम इफेक्ट देख रहे हैं वो किस तरह से ये इफेक्ट आ रहा है हमारे सिनर्जी एयरफोर्स नेवी और आर्मी के बीच में, और सिनर्जी कौन दे रहा है? सिनर्जी दे रहा है सीडीएस, क्योंकि सिनर्जी दे रहा है सीडीएस, और सिनर्जी के वजह से आज लद्दाख में चीन के इतिहास में पहली बार चीन विड्रॉ किया है, पीछे गया है, पहले कभी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो तालमेल हो रहा है उसी का तो असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जब आप अलग अलग कंपार्टमेंट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गैप होता है। उस गैप को जब आप एक टीम के हिस्सा बन जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल हैं, उसमें एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, 14 प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में 14 है, यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? बॉस एक होगा, एपेक्स एक होगा, राजा एक होगा, उससे कोऑर्डिनेशन होगा। है देखिए, एक होता है कंसल्टेशन फेज, एक होता है कमांड फेज। जब कंसल्टेशन फेज में तीनों सेनाओं के चीफ कंसल्ट एक दूसरे को करते हैं और अपने अनुभव से देते हैं, तो जब कमांड फेज आता है तब सीडीएस का रोल शुरू होता है, बोल नहीं अब ये बेस्ट कोर्स ये है। कोई दो लोग हमेशा 100% एक मत से नहीं एग्री कर सकते हैं, यही मैनेजमेंट ऑफ कंट्रडिक्शन, यही है सीडीएस के कुर्सी का की बाखूबी। तो ये उन्होंने किया है, तो वो जमीन पर तो दिखता है। पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है? चीन क्यों घबराया हुआ है? चीन क्यों कहता है, ये मैसेज दे रहा है ग्लोबल टाइम्स में कि चीन पड़ोसी देशों को के साथ शांति चाहता है, वो दूसरे का जमीन नहीं हथियाना चाहता है। ये चीन की भाषा है। अब जो देश जोंगवा में विश्वास करता है, जो देश दूसरे के भौगोलिक क्षेत्र पर कुदृष्टि लगाता है, वो अब बात करता है कि हम दूसरे के क्षेत्र नहीं लेना चाहते। अब मैं कहना चाहता हूं उनके ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन, एक दो बिंदु और, कि जनरल रावत को काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट में, जिस बाखूबी के साथ उन्होंने इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया वो काबिले तारीफ है। अब एक और बिंदु देखिए, जब हमारे दुश्मन तीन प्लेटफॉर्म से, तीन सोर्स से जब मैसेजिंग आती है तो उसको बहुत सीरियसली लेता है चीन और पाकिस्तान, प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी, और सीडीएस, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ। इन व्यक्तियों से जब मैसेजिंग जाता है तो बहुत गंभीरता के लिए के साथ लिया जाता है। और जब सीडीएस बोलते हैं कि अब कोई भी हमारी तरफ कुदृष्टि उठाएगा तो सठम साठम समाचार उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो ग्लोबल टाइम्स में पेट में दर्द हो शुरू हो जाता है कि ये एग्रेसिव पोस्टिंग सही नहीं है, शांति की बात होनी चाहिए। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल रोल सीडीएस जनरल रावत ने किया, काउंटर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना, दुश्मन को मैसेजिंग देना, आर्मी को रिकॉग्नाइज करना, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बनाना, जमीनी स्तर पे सिंप्लिसिटी मेंटेन रखना, अपनी पत्नी के माध्यम से आर्मी का मुराल, आर्मी की ट्रुप्स का मुराल ऊपर करना, ये सब जो इफेक्ट है वो दिखता है। हमारे 16 बिहार के 16 जवान 150 चीन के जवानों को पीएलए ट्रुप्स को खदेड़ दिया, ये फैंटम आर्मी है। और इसका क्रेडिट जनरल रावत को जाना चाहिए, उन्होंने जो नेतृत्व किया उसका जमीनी स्तर पे असर दिखता है। जी, एक बार मैं फिर से एक बार ग्राउंड जीरो का मैं रुक करूंगा। शिवम, जो अब खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कल सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए अभी तक जो जानकारी है उसमें कि कल सीडीएस बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली लाया जाएगा। अभी तक ये भी जानकारी है कि जो परिवारजन हैं वो पालम एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि इन चीज़ों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो उनके उत्तराखंड के परिवारजन हैं और जो मधुलिका रावत के फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके भोपाल के साइड से हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। उन सभी को कल दर्शन कराए जाएंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री समेत देश के जो भी दिग्गज तमाम मंत्री हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो स्वयं एयरपोर्ट पर पहुँचे। पालम एयरपोर्ट पर शायद है कि जो है सीडीएस का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। हालांकि जैसे ही प्रत्युष ये खबर आई यहाँ पर उनके घर के आसपास पूरा गमगीन माहौल हो गया और जो कुछ आम लोग भी यहाँ जुट गए थे क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं मिल रही थी, वो भी इस बात को लेकर सरप्राइज है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जी तो शिवम इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे कि मधुलिका रावत जिनका ताल्लुक MP से है उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को दिल्ली बुलाया गया है। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें मधुलिका रावत के बारे में भी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की थी मधुलिका रावत। सुहागपुर राज परिवार से उनका ताल्लुक रहा है। उनके पिता राजा मृगेंद्र सिंह सुहागपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। और CDS बिपिन रावत और मधुलिका रावत की दो बेटियां हैं, कृतिका रावत और तारिणी रावत। कृतिका रावत की शादी हो चुकी है जबकि तारिणी रावत अभी पढ़ाई कर रही हैं। मैं इस वक्त अभिषेक का एक बार फिर से रुक करूंगा। CCS की बैठक इस वक्त चल रही है। अभिषेक एक बात और समझना चाहूंगा कि कल उनका पार्थिव शरीर यहां लाया जाएगा मधुलिका रावत और CDS बिपिन रावत का, क्या अंतिम संस्कार यहां किया जाएगा या फिर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जहां उनका पैतृक आवास था? देखिए वो तीनों सेना प्रमुख थे और तीनों सेना प्रमुख होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत कल उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा। सेना अपने तरफ से जो सम्मान देती है वो तीनों सेनाओं की तरफ से, तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वो सम्मान दिया जाएगा पार्थिव शरीर को CDS विपिन रावत के। उसके बाद हो सकता है प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हो और ये भी हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद उनके पैतृक आवास उत्तराखंड पर उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाए। लेकिन कल यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उस बड़े कार्यक्रम में अंतिम दर्शन होंगे दोनों के। अंतिम दर्शन में प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे, रक्षा मंत्री भी पहुँचेंगे, तीनों सेना प्रमुख पहुँचेंगे और क्योंकि तीनों सेना के प्रमुख हैं CDS हैं तो सेना का अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत पूरा सम्मान दिया जाएगा जो भी राष्ट्रीय सम्मान होता है सेना का। चलिए अभिषेक आप CCS की बैठक पर नजर बनाए रखिए।